यहाँ पे और यहाँ पे स्पीकर लगते हैं, डीसी बोल्ट पे आप चला सकते हैं, यहाँ पे आपको फैन मिल जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे माइक वन और माइक टू लग सकता है। बेस ये वॉल्यूम है, ट्रेबल राम राम जी, आदाब सत श्री अकाल जी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सो जेंटलमैन क्या हाल है आपके? सो जेंटलमैन आज के मेहमान है जी, ये है इंडियन वीसीडी एम्पलीफायर वीसीडी प्लेयर। और जेंटलमैन ये मेरे पास बॉक्स पैक आए हैं, मतलब बॉक्स के अंदर हैं, ये दो पीस है। इसमें आप वीसीडी ऑडियो सीडी एंड एमपी3 का मज़ा ले सकते हैं। विद एम्पलीफायर हैं ये जो वीसीडी प्लेयर हैं। और जेंटलमैन इसमें आप सिंगिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वेरवा दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये वेरवा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑटोमेटिक डिजिटल सर्वो सिस्टम सुपर एरर करेक्शन एबिलिटी है। और जेंटलमैन रियल 5.5 वर्जन पीवीसी मेनू लिस्ट फंक्शन है। 64 TV स्क्रीन डिस्प्ले, इंग्लिश चाइनीज ऑपरेटिंग सिलेक्शन, मतलब ये आपको दो लैंग्वेज मिल जाती है। जेंटलमैन जैसे वीसीआर में एनटीएसई और पल चलता था, इसी तरह से इस वीसीडी में भी एनटीएसई और पल सिस्टम कंपैटिबल कह सकते हैं। एनी टाइम सेटिंग, प्ले मेमोरी, प्ले वॉल्यूम कंट्रोल, रिपीट प्ले है, मतलब कि रिज्यूम में है तो वहीं से चलेगा। और रिपीट का मतलब है वही गाना आप बार बार चला सकते हैं, उसको रिपीट मोड पे करके। प्रोग्राम मल्टी लेवल है, परफेक्ट कराओके इको इफेक्ट विद 14 लेवल्स, वाव, मतलब सिंगिंग अच्छे से कर सकते हैं। लेफ्ट राइट स्टीरियो सराउंड आउटपुट एंड डिजिटल टोन चेंज है। फ्री जूम एंड लार्ज एंड मूविंग, 220 इंडियन वोल्टेज पे चलता है, ऑटो वोकल है, न्यू MP3 सॉफ्टवेयर कंपेटेबल। ठीक है जी, तो जेंटलमैन ये जो है दोनों मेरे पास आए हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े इनके बॉक्स हैं, तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो जेंटलमैन यहाँ से इस तरह से ये हैंडल है इसका, ओपन हो जाते हैं। दोनों बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, ये देखिए आपके सामने थर्माकोल इसमें लगा हुआ है। और मैं दोनों को जो है बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ, इनकी जो है मैं टेस्टिंग करूँगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले बॉक्स जो है ओपन कर रहे हैं हम। एसी और डीसी वोल्ट पे ये दोनों वीसीडी प्लेयर एम्पलीफायर चलते हैं। और जेंटलमैन ये भी जो है थर्माकोल का है, तो मैं इनको अभी बाहर निकाल लेता हूँ। ऑलराइट जेंटलमैन, तो मैंने इनको बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है। ये रहे वीसीडी एम्पलीफायर। जेंटलमैन ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है वीसीडी एम्पलीफायर हैं, बहुत ही शानदार, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। और जेंटलमैन ये बॉक्स में ही रहे और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और जेंटलमैन चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो इनके मॉडल्स नंबर्स की बात करेंगे। तो ये है जी TT7001 कराओके, आपको इसमें फंक्शन मिलता है। और जेंटलमैन ये है जी दूसरा पीस। ये दोनों पावर कंपनी के वीसीडी प्लेयर है, दोनों में बराबर स्टिकर लगे हुए हैं। डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस है, जिस तरह इसके बटन कुछ इस प्रकार के मिलते हैं और इसके बटन थोड़े गोल में मिलते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है बैक साइड पे लिखा हुआ है, और इसका फ्रंट पे थोड़ा डिज़ाइन में थोड़ा अंतर दिया गया है, ये देखिए। तो इस प्रकार का इनका दोनों का डिज़ाइन है। इसमें यहाँ पे विद MP3 प्लेयर DVCD VCD ACD यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम है।
जो एम्पलीफायर की पावर यहाँ पे इसका वेरवा दिया गया है, पावर कंपनी का ऑडियो वीडियो MP3 2500 वॉट PMPO विद ग्राफिक इक्वलाइजर के साथ आता है। जेंटलमैन सेम ये वाला भी इसी तरह से आता है, यहाँ पे भी MP3 DVCD और यहाँ पे MP3 DVCD लिखा हुआ है। सो जेंटलमैन चलिए अभी इन दोनों को मैं कनेक्ट करके स्पीकर्स के साथ और चला के दिखाता हूँ। ये वीडियो 10 से 12 मिनट की होएगी, तो जेंटलमैन बने रहिएगा मेरे साथ। सो जेंटलमैन मैंने दोनों को सेट कर लिया है, मैंने एक स्पीकर इसके साथ ठीक है जी और दूसरा स्पीकर इसके साथ एक एक स्पीकर जोड़ लिया है। सो सबसे पहले हम इसको चला के देखेंगे, ये देखिए दोनों में लाइट आ गई है ठीक है जी। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरह से ट्रे हमारे जो है VCD प्लेयर एम्पलीफायर की बाहर आ जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ ठीक है जी। ये एम्पलीफायर है, पीछे इसके स्पीकर दो लगते हैं, क्विक रीड है, लेंस बिल्कुल ब्रांड न्यू है इसके, बहुत कम यूज़ हुए हैं। तो मैं दोनों की परफॉर्मेंस आपको सुना देता हूँ, गाना थोड़ा मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ ठीक है जी। तो वॉल्यूम करते हैं, चलिए यहाँ से वॉल्यूम है, तो ऑलराइट जेंटलमैन मैंने आपको इसकी एम्पलीफायर की एंड CD की टेस्टिंग करवा दी है, बहुत ही बेहतरीन वर्किंग है, आप इसमें माइक भी लगा सकते हैं। चलिए अभी हम दूसरी CD प्लेयर पे चलते हैं जी, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ये है जी दूसरा जो है CD प्लेयर, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसके साथ भी मैंने स्पीकर लगाया हुआ है, ये देख लीजिए, तो ये गई CD अंदर। ओह सो यहाँ पे ये थोड़ी सी अटकती है क्योंकि पुरानी है, लेकिन बेहतरीन है, क्विक रीड है, बहुत ही शानदार, ये देखिए। तो मैं इसका भी जो है थोड़ा गाना नेक्स्ट कर लेता हूँ, 2, 3 एंड 4। चलिए मैं वॉल्यूम कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से इसका वॉल्यूम होएगा, मुझे लगता है अभी नेक्स्ट नहीं हुआ गाना। तो ये लीजिए जेंटलमैन, स्टॉप करते हैं और जेंटलमैन चलिए इसका भी मैं आपको बेस ट्रेबल सुना देता हूँ, क्लीन वर्किंग है। एंड जेंटलमैन इनके जो बटन मैं घुमा रहा हूँ थोड़े हार्ड चलते हैं, इससे पता लगता है कि ये काफ़ी कम यूज़ हुई हैं, काफ़ी बेहतरी जो है इनकी संभाल जो है देख रेख में रही हैं, ये बॉक्स में ही पैक रही हैं। चलिए अभी बैक साइड पे चलते हैं। ऑल राइट जेंटलमैन, तो दोनों की मैं बैक साइड पे आ गया हूँ, ये देखिए दोनों की शानदार बैक साइड है, बिल्कुल नए पीस हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे माइक 1 और माइक 2 लग सकता है, आप हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर को पार्टनर के साथ सिंगिंग कर सकते हैं। क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट लगा हुआ है, जो इसमें लेंस है, यहाँ पे वीडियो आउट ठीक है जी और ऑडियो आउट लेफ्ट राइट में भी ये कोएक्सल हो सकता है, और यहाँ पे भी दो जो है रेड कलर के दिए गए हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ कुछ। तो लेज़र बीम डू नॉट ओपन, अटेंशन मतलब वार्निंग लिखी हुई है। जेंटलमैन यहाँ पे मैंने स्पीकर लगाए थे ठीक है जी, यहाँ पे और यहाँ पे स्पीकर लगते हैं, DC बोल्ट पे आप चला सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ैन मिल जाता है जो इसको कूल रखेगा, और ये वोल्टेज जो है इंडियन वोल्ट पे चलता है जी। ये है जी दूसरा, सेम है माइक, क्लास 1 लेज़र प्रोडक्ट और वीडियो आउट, ऑडियो आउट, लेज़र बीम। और जेंटलमैन ये वाले सेक्शन में इसमें गेम चलती है, मतलब इसमें आप गेम नहीं खेल सकते, इसमें आप गेम भी खेल सकते हैं, Video Game 2, Video Game 1, लेकिन यार कौन खेलता है, आपने तो इसको एज ए मतलब CD यूज़ करनी है, आप TV के साथ लगाइए। और एम्पलीफायर है, यहाँ पे स्पीकर लगते हैं, ये देखिए ये इसमें जो है थर्माकोल लगी हुई है, बिल्कुल फ्रेश पीस है, और DC वोल्ट पे भी चल सकता है। स्लीव यहाँ फ़ैन मिल जाता है जी ठीक है, दोनों का वेरबा
मैंने आपको दे दिया है। चलिए देन इसके प्राइस की बारी, तो मैं आपको प्राइस इनके दोनों के बता देता हूँ। ऑलराइट जेंटलमैन, तो इन दोनों का प्राइस बता देता हूँ। ये आपको 3,000 के मिल जाएंगे, 3,000 के मिल जाएंगे। शिपिंग थोड़ी सी कॉस्टली है बिकॉज इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, काफ़ी फंक्शन है, कराओके की प्लेट भी लगी हुई है, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाते हैं, थोड़े वेटेड हो जाते हैं, ठीक है जी। सो शिपिंग थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी, 600 के करीब इसकी एक की शिपिंग रहेगी। तो आप इंडिया में कहीं भी शिपिंग करवा सकते हैं, ब्रांड न्यू पीस है। लेंस बहुत ही अच्छे हैं, आगे और 20-30 साल चलने के लिए ये सक्षम हैं, क्योंकि ये यूज़ नहीं हुए अनयूज्ड पीस हैं। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहें, गुनगुनाते तंदुरुस्त रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।